Today there is our environmental studies period. Okay, today's date is 3rd of September 2021 and today is Friday. Okay, in the previous lecture we have seen how we use different types of clothes in different climatic conditions, hai na? And today we are going to see the next subtopic, and that is clothes for special occasions. What is that? Clothes. Kapde. For के लिए स्पेशल ओकेजन्स, स्पेशल यानी विशिष्ट या विशेष प्रकार के, ओकेजन्स यानी अवसर. क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स. क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े. फॉर मतलब के लिए, स्पेशल मतलब विशेष, और ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर. ओके, तो विशेष अवसरों के लिए हम कपड़े किस प्रकार पहनते हैं, अब ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है. द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर ऑफ दैट क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स विच वी यूज फॉर स्पेशल ओकेजन्स और विच वी वियर फॉर स्पेशल ओकेजन्स. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ थ्री चिल्ड्रन. ओके, सी देयर क्लोथ्स, है ना, शेरवानी, है ना, लहंगा एंड चोली, चूड़ीदार सूट इज देयर, है ना. नाउ सी, कम ऑन, कीप योर फिंगर देयर, पेज नंबर 67. नेक्स्ट सब टॉपिक इज क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स एंड वेरी फर्स्ट लाइन. On special occasions like festivals, parties or religious ceremonies, we wear special clothes like sherwani for boys, lehenga and choli, a chudidar suit or a party frock for girls. Okay? इसका मतलब है on special occasions, मतलब विशेष अवसरों पर, जैसे कि like मतलब जैसे festivals, त्योहार, parties और religious सेरेमनी. सेरेमनी का मतलब होता है समारोह. रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, मतलब धार्मिक समारोह के अवसरों पर वी वियर, हम पहनते हैं. क्या पहनते हैं? स्पेशल क्लोथ्स, विशेष प्रकार के कपड़े. लाइक जैसे कि शेरवानी फॉर बॉयज, लड़कों के लिए शेरवानी. लहंगा एंड चोली, ये लड़कियों के लिए है. चूड़ीदार सूट और अ पार्टी फ्रॉक फॉर गर्ल्स, और लड़कियों के लिए लहंगा चोली, चूड़ीदार सूट और पार्टी फ्रॉक्स पहनते हैं. समझ में आया? मतलब क्लोज फॉर स्पेशल ओकेजन्स, अलग अलग विशेष त्योहारों पे आप कौन से किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपको पता है. आप छोटे बच्चे हो तो आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं वो क्या पहनते हैं? शेरवानी पहनते हैं. और बच्चियां जो होती है वो चूड़ीदार, लहंगा, है ना, सूट पहनती है, अच्छे अच्छे फ्रॉक्स पहनती है, है ना. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी टेक केयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज. हाउ मतलब किस प्रकार, हाउ वी, हम, सॉरी, हाउ डू वी, किस प्रकार हम टेक केयर, देखभाल करते हैं, टेक केयर ऑफ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग प्रकार के कपड़े. Different types of clothes. Question mark. Okay, this is a question which is asked to you. Okay, what is this question? How do we take care of different types of clothes? हमने अलग अलग प्रकार के कपड़ों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? Now see, in the left side the picture is given there, है ना? See, the man is iron the clothes, है ना? And he properly arrange those clothes, है ना? See now, come on, keep your finger there. Clothes that we wear should be clean and well ironed. कपड़े जो हम पहनते हैं वो कैसे
कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और वेल आयर्न और अच्छी तरीके से उनकी इस्त्री की जानी चाहिए, है ना। मतलब अच्छे तरीके से इस्त्री की हुए कपड़े और साफ सुथरे कपड़े हमें पहनने चाहिए, या हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे और अच्छे तरीके से इस्त्री किए हुए। ओके, वी शुड नॉट लीव द क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, हमने जमीन पर कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कपड़े पहनते हैं और जमीन पे ही रख देते, कोई बेड पर डाल देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इट इज वेरी बैड हैबिट। ओके, सो डोंट डू लाइक दैट। After wearing, we should wash and fold them or hang them on hangers in the closet. Closet का मतलब होता है अलमारी, कपड़। Okay? After wearing, मतलब पहनने के बाद, मतलब कपड़े पहनने के बाद, we should wash, हमने उन्हें क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हमें वहाँ पे हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, फिर से दोबारा वो कपड़े नहीं पहनने, हमारा पसीना भी उसमें लग जाता है, पसीने में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। दैट्स वाई वी हैव टू वॉश द क्लोज आफ्टर वियरिंग, मतलब कपड़े पहनने के बाद हमने कपड़ों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। एंड फोल्ड देम, फिर उनको अच्छे तरीके से फोल्ड करना चाहिए। इसका मतलब होता है घड़ियां उनकी करनी चाहिए। और हैंग देम, और उनको लटकाना चाहिए, कहाँ पे, ऑन हैंगर्स, हैंगर जो होते हैं लटकाने वाली जो चीज होती है उस पर हम कपड़े लटकाते हैं, इन द क्लोज़ेट, और अलमारी में उनको अच्छे तरीके से टंगा देना चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या बताया यहाँ पे, कि कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले उनको वॉश करो, हाँ, उनके बाद उसको फोल्ड करो, उनकी घड़ियां करो अच्छे तरीके से, और उनको अलमारी में हैंगर्स पे लटका दो। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, सम क्लोथ्स नीड एक्स्ट्रा केयर, कुछ जो कपड़े होते हैं उनको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सम वुलन क्लोथ्स नीड टू बी ड्राई क्लीन्ड, ड्राई क्लीन्ड का मतलब होता है निर्जल धुलाई, पानी के बिना उनकी धुलाई करते हैं। सम वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स का मतलब होता है ऊनी कपड़े जो हम ठंड में पहनते हैं, कि नहीं, मफलर, स्वेटर, है ना, इस तरह के कपड़े। सम वुलन क्लोथ्स नीड टू बी ड्राई क्लीन, इनकी निर्जल धुनाई होनी चाहिए, कौन सी, ऊनी कपड़ों की, ऊनी कपड़ों की। After the winter season is over, the woolen clothes should be properly stacked in closed boxes with naphthalene balls or neem leaves. देखो उन्होंने किस प्रकार केयर करनी चाहिए woolen clothes की, वो हमें यहाँ पे बताया है। After the winter season is over, जब भी ठंड का जो महीना होता है, ठंड का जो ऋतु होता है, जब भी खत्म हो, तो क्या करना चाहिए हमें, the woolen clothes should be proper stacked. Stack का मतलब होता है well arranged, अच्छे तरीके से, एक पर एक अच्छे तरीके से उनको रख के, उनकी अच्छे तरीके से घड़िया करके, उनको एक पर एक अच्छे तरीके से अरेंज करके, हाँ, क्लोज्ड बॉक्स में, बंद डिब्बे में उनको रख देना चाहिए। और उसमें क्या डालना चाहिए, विथ नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल क्या होती है आपको पता है, डांबर गोई जिसको मराठी में बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, नैप्थलीन बॉल की वजह से क्या होता है, दीमक नहीं लगती है कपड़ों को। और नीम लीव्स, और यू कैन कीप नीम लीव्स अल्सो देयर, मतलब आप वहाँ पे नीम के पत्ते जो कड़वे होते हैं वो भी दीमक नहीं लगने देते हैं, वो एक प्रकार की औषधि ही है, है ना। तो इस प्रकार आपने आपके वूलन के कपड़ों को, कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, सी द क्लोज़ेट, इट इज़ वेरी प्रॉपरली अरेंज, सी दैट क्लोज़ेट, मतलब जो अलमारी यहाँ पे दी हुई है वो कैसे है, प्रॉपरली अरेंज है, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े रखे हुए हैं, है ना, शूज भी अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, खिलौने भी अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। समझ में आया, इस प्रकार आपको आपके कपड़े, अपने जूते, सब अच्छे तरीके से, टॉयज अच्छे तरीके से अरेंज करके रखने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ, नाउ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, इट इज अ homework, but I will give you the answers there. Okay, what is the question? Name the different types of clothes. Now see, the t-shirt is given there, yellow t-shirt is given there, and on that t-shirt the question is given for you, and you have to write down the answer of your own here, but I will give you the
answers. Okay, see what is the question. Name the different types of clothes worn by males and females. आपको अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं जो पुरुष और स्त्रियां महिलाएं पहनती है उनके नाम यहाँ पे देने हैं. यहाँ पे दिया हुआ है मैं, पहले क्या दिया हुआ है मैं, मतलब पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. सी टू आंसर्स यू हैव टू राइट. ओके, फर्स्ट वन इज शेरवानी. ओके, यू कैन राइट हियर शेरवानी. सेकेंड वन इज धोती कुर्ता. कुर्ता. ओके ओके, नाउ फॉर फीमेल, फॉर विमेन, सॉरी विमेन इज गिवन देयर. व्हिच टाइप ऑफ क्लोथ्स विमेन वेयर्स. विमेन वेयर पंजाबी सूट, give you the examples. Now turn the page, page number 68. Now the lesson is over here and page number 68 exercise is given next to the lesson. Okay, means here the lesson is over. I hope you have understood it. Okay, very simple lesson it is. इट इज वेरी सिंपल लेसन. बहुत ही सिंपल लेसन था. किस प्रकार के कपड़े अलग अलग ऋतुओं में आप पहनते हैं, उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है. और एक्सरसाइज आई हैव गिवन यू द आंसर एक्चुअली. ओके, बट वंस अगेन आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, टू मिनट्स आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड. वेट फॉर टू मिनट्स. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर. क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. एंड द आंसर इज इन द बॉक्स. ओके, ऑल द आंसर्स इज इन द ब्लैंक्स बॉक्स. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक्स. ओके, इन द करेक्ट ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे आपको सब आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन सारे सेंटेंसेस के. आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है और करेक्ट प्लेस पे उनको भरना है. ओके, नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस. क्लोथ्स मेक अस लुक दैट दैट. नाउ सी द आंसर फर्स्ट. हाँ, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर. स्मार्ट यानी यहाँ पे मतलब होता है अच्छा. सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम. कॉटन, कॉटन का मतलब होता है सूत या कपास. रबर, रबर का मतलब होता है रबर, है ना, आपको पता है. नाउ सी द फर्स्ट वन, क्लोथ्स मेक अस लुक डैश डैश. कपड़े हमें कैसे दिखाते हैं, कपड़ों की वजह से हम कैसे दिखते हैं. द आंसर इज स्मार्ट, अच्छे दिखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. कपड़ों की वजह से हम अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल मटेरियल्स like cotton, silk, wool and leather are made from plants and dash dash. Natural materials यानी नैसर्गिक सामग्री जैसे कि cotton, cotton का मतलब होता है सूत. silk या रेशम. wool, wool का मतलब होता है ऊन. and leather, leather का मतलब होता है चमड़ी. आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, ये किससे हम पाते हैं, किससे बनते हैं ये. मेड फ्रॉम प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों से. एंड इससे मिलते हैं हमें एनिमल्स. व्हाट इज द आंसर, एनिमल्स. आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से. कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन ट्री से मिलता है. सूत किससे मिलता है, कपास के पेड़ से हमें मिलता है. सिल्क किससे मिलता है, फॉर्म से मिलता है, रेशम कीड़े से मिलता है. वुल कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है हमें. और लेदर कहाँ से मिलता है, गायों से मिलता है.
और मगरमच्छ से भी मिलता है, मगरमच्छ की भी खाल उतारी जाती है, उससे भी पर्सेस वगैरह बनते हैं। तो लेदर का मतलब होता है यहाँ पे चमड़ी, जानवरों की चमड़ी। हाँ, तो इससे हमें मिलता है, मतलब प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी हमें ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं। ओके, समझ में आया। नंबर थर्ड, कॉटन कम्स फ्रॉम, सूत कहाँ से आता है, डैश डैश प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया, बताया ना कॉटन, मतलब सूत किससे मिलता है हमें, कॉटन ट्री से, यानी कपास के पेड़ से मिलता है। सो हियर द आंसर इज कॉटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिल्क कम्स फ्रॉम, अभी भी मैंने बताया सिल्क कहां से मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म, है ना, सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है। और वी गेन रबर फ्रॉम डैश डैश ट्री। ओके, हियर रबर इज मेंशन, है ना, सिल्क रबर इज मेंशन देयर। सो हमें रबर कहां से मिलता है, रबर के ही पेड़ से हमें रबर मिलता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन ए। ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, बट आई एम here explain giving you the explanation. Okay, so first question is over, now second one is there. Now what is that, question b, pick the correct answer and cross the wrong ones, matlab jo answer correct hai, sahi hai, uske samne aapko tick mark karni hai, aur jo answer galat hai uske samne aapko cross karna hai. Okay, now I'm reading the sentences and you have to give the signs, tick mark or cross mark. Okay, here 1, 2, 3, 4 and 5, here I'm giving you the answers directly. Okay, I will read you the questions for you, and I'm giving you the answers here. Okay, now see, we wear clothes according to the weather conditions. हम कपड़े किसके हिसाब से पहनते हैं, ऋतुओं के हिसाब से हम पहनते हैं, वातावरण की जैसे कंडीशन हो, है ना, स्थितियां हो, परिस्थितियां, वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल हम कपड़े पहनते हैं। इट इज करेक्ट, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, दैट्स वन यू हैव टू गिव द टिक मार्क in the box. Okay, first one is correct, give tick mark there. Now second, raincoats are made of cotton. Raincoats, बारिश में जो हम रेनकोट पहनते हैं वो सूत से बनाए जाते हैं। Wrong, ये सूत से बनाए नहीं जाते, प्लास्टिक से भी वो बनते हैं। Okay, so it is wrong sentence, so you have to give here cross, give cross in the box. Okay, now the third one, we wear woolen clothes in summer. गर्मियों के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। Wrong, it is a wrong sentence, that's why you have to give the cross in the box. Okay, now see the fourth one, clothes that we wear should be clean and well ironed. कपड़े जो हम पहनते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और अच्छे तरीके से इस्त्री किए हुए होने चाहिए। Yes, it is correct. So you have to give the tick mark in the box. Okay? And the last one, we carry an umbrella to keep the birds away. हम छाता लेकर जाते हैं किस लिए, पंछियों को दूर रखने के लिए। Wrong, हम छाता किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें धूप ना लगे या हमें बारिश ना लगे, इस वजह से। सो इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हियर क्रॉस मार्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर ए एंड बी क्वेश्चन व्हिच इज मेंशन इन द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फोटो, आई हैव गिवन यू द आंसर्स ऑलरेडी। ओके, सो टुमारो वी शैल सी, or not tomorrow, in the next period we shall see the activity zone. Okay, till then goodbye, thank you so much, stay home, stay safe, bye.